everyone. Now in this session we are going to discuss the second family from morphology of flowering plant, which is the Solanaceae. Solanaceae is the family, it is also called as potato family. So this is also called as potato family. Here I have written all the characters in terms of vegetative and in terms of floral characters. So now first we'll discuss this thing, vegetative characters. Vegetative characters means, as you can see here, plants mostly herbs, like बहुत छोटे छोटे plants होते हैं, herbs होते हैं इसमें. But then shrubs भी हो सकते हैं, लेकिन rarely small trees होते हैं. Like see, rarely small trees. So आपको ये जो अलग या unique चीजें होती है हर एक family के character में, वो आपको ऐसे ही नोटबुक में अलग कलर के पेन पेंसिल से लिख के या फिर उसको सर्कल करके या फिर वहां कोई स्टार मार्क करके रख सकते हो. सो प्लांट्स मोस्टली हर्ब शर्ब्स और रेयरली स्मॉल ट्रीज. स्टेम, इट्स अ हर्बेशियस स्टेम. हर्बेशियस मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वुड बी हर्ब्स, सो दैट डेफिनेटली इट शुड बी अ हर्बेशियस स्टेम होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वुड हैव अ हर्बेशियस स्टेम. And rarely woody होता है, because rarely small trees होते हैं. Trees, as we know, trees woody होते हैं, wood होता है उनके stem में. But then ये दो characters आपको simultaneously याद रखने हैं, so that बहुत easy आराम से आप उसको याद रख सकते हो. कैसे याद रखोगे? The habitat of the plants are rarely small trees, so rarely woody stem होगा. एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल, ब्रांचेस भी होंगे, सॉलिड भी होगा, और sometimes it can be the hollow also. हॉलो लाइक कोई हर्बेशियस स्टेम है, दैट कैन बी द हॉलो. बट देन कोई अगर स्टेम रेयरली वुडी होगा, स्मॉल ट्री होगा, रेयरली वुडी होगा, तो उसका स्टेम सॉलिड होगा. सो ये सेक्शन याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी स्टूडेंट्स को. देन लीव्स, लीव्स आर ऑल्टरनेट, सिंपल होते हैं. सिंपल मतलब ओनली वन लीफ आई वुड से इज प्रेजेंट एट अ टाइम. Reticulate venation, because it's a characteristic of dicot and we already have seen this difference. Reticulate venation, this is the reticulate venation. X stipulate, stipules are not there. In this family, stipules nahi hote hai. Theek hai? So these are very easy and easy to remember and bahut hi simple characteristic hai is family ke. But question can be asked from this character, any of character. So, याद रखिए और इसका एक नोट बना के रखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी हैव टू राइट द फ्लोरल फॉर्मूला, सो दैट वी हैव टू डिस्कस दिस फ्लोरल कैरेक्टर्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब फ्लावर में क्या कौन से जो वर्ड्स है एंड उनमें कौन कौन से कितने पेटल्स है, कितने कैलिक्स है, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे. सो नाउ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी मतलब, सॉलिटरी मतलब एक प्लांट पे एक ही फ्लावर, लाइक वो जो ब्रांच है उस पे एक ही फ्लावर रहेगा. सॉलिटरी मतलब क्या, सिंगल फ्लावर वुड बी देयर. एक्सिलरी और इट कैन बी अ साइमोस. फ्लावर बाइसेक्सुअल. नाउ सी फ्रॉम हियर टू हियर, नाउ पे अटेंशन केयरफुली बिकॉज वी हैव टू राइट द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर दिस. बाइसेक्सुअल, नाउ वी ऑलरेडी हैव सीन दिस इज द सिंबल फॉर बाइसेक्सुअल. Then what is the symbol for actinomorphic? जो दिया है उसको बस लिखते चलिए, ये हम हमने पढ़ लिया है. Actinomorphic means when you consider the Solanaceae family, you take the any flower from this family members. You can take any flower from Solanaceae family members and you can cut it in more than two planes so that you can get the equal parts of it, equal parts of flower I mean to say. So yes, this is the actinomorphic symbol. Calyx, sepals 5. कितने हैं? Sepals 5. So as we all know, calyx जो है, it is represented as a K. Sepals 5, and these are united. Now instead of giving gamosepalous, they have written here the united. So one and the same thing. United means ये और भी easy हो जाएगा आपके लिए, because united means you have to put a bracket around it. एंड इसको हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं? गैमोसेपैलस. इट्स अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज गैमोसेपैलस. नाउ रिमेंबर दिस, दे आर सेइंग सेपल्स 5 एंड दे आर यूनाइटेड, सो बहुत आराम से हम लोग उसको ब्रैकेट रख सकते हैं उसके अराउंड. सो यस, नाउ वेलवेट एस्टिमेशन, वी हैव सीन द एस्टिमेशन टाइप्स एंड दिस एस्टिमेशन विल बी रिक्वायरिंग टू ड्रॉ द फ्लोरल फॉर्मूला.
नाउ करोला, नाउ एज वी ऑल नो करोला इज डिनोटेड एज अ सी, पेटल्स 5. अगेन दे हैव मेंशन द यूनाइटेड, मींस दिस कंडीशन इज व्हाट, गैमोपेटालस. दिस कंडीशन इज गैमोपेटालस, मींस अगेन वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट अराउंड 5. नेक्स्ट एंड्रोशियम स्टैमेंस 5. सो एंड्रोशियम ए, एंड्रोशियम डिनोटेड एज अ ए, स्टैमेंस 5. ओके स्टैमेंस 5. But then, here is new term which is called as epipetalous, and this condition, ये भी हम पढ़ चुके हैं. When there is this condition, epipetalous means there is a connection of petal. Like suppose this is the petal, and there is a stamen which is attached with this thing. Like here is, this is the petal, and this is the stamen. So there has to be a connection between petal and stamen. The condition is called as epipetalous condition. So हम उसको कैसे show करेंगे? Now here I am writing this calyx, and we just have to like हमको उनके head पे एक छोटा सा curve रखना पड़ेगा, so that this is the condition is called as epipetalous condition. Okay? Now gynoecium, ovary superior bicarpillary. So gynoecium is denoted as a G. ओवरी सुपीरियर, चलो पहले ढूंढो, नंबर ढूंढो पहले, उसका नंबर क्या है, मोनो है, बाय है, ट्राई है, पेंटा है, नंबर लिखोगे तभी तो आगे जाएगा फ्लोरल फॉर्मूला. सो बाय कार्पिलरी मीन्स टू, बाय मीन्स टू, देन दे आर सिंग सिंकार्पस, सिंकार्पस मीन्स फ्यूज्ड, तो हम इसको ब्रैकेट करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है मतलब हम कहां अंडरलाइन करेंगे, यहां अंडरलाइन करेंगे. एंड एक्साइल प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन हम पढ़ लिए हैं, सो एक्साइल प्लासेंटेशन क्या है ये आपको वो सेशन में जाके पढ़ना पड़ेगा. नाउ दे इन एनसीईआरटी दे आल्सो हैव मेंशन दिस इज द ऑब्लिगेटली प्लेस्ड ओवरी, सो हम लोग यहां पढ़ेंगे ऑब्लिगेटली प्लेस्ड ओवरी. मीन्स सी द डायग्राम हियर, इट मीन्स ऑब्लिगेटली मीन्स थोड़ा सा टिल्टेड होगा, टिल्टेड ही मीन्स टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड है. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू मे गेट क्वेश्चन ऑन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज ऑब्लिगेटली प्लेस ओवरी, सो दिस इज द सोलानेसी, और द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर दिस इज अ पोटेटो फैमिली. नाउ नेक्स्ट फ्रूट्स, दे आर द बेरी टाइप और द कैप्स्यूल, एंड सीड्स लाइक नंबर ऑफ सीड्स आर एंडोस्पर्मिक ओनली, सो दे हैव अ एंडोस्पर्म with their seeds. Now one more thing here, calyx is a persistent. Persistent मतलब वो fruit formation के साथ भी fruit के साथ रहता है, like fruit formation तक वो उसके साथ रहता है. So this is the meaning of persistent. And yes, this is how we can write the floral formula. हम कैसे लिख सकते हैं? Like this is the bisexual condition. Then here would be actinomorphic. Then K 5 fuse, C 5 fuse, A 5 they are not fuse, G 2 fuse, and this is the condition which is epipetalous. Now see कितना easy है floral formula लिखना अगर आपको वो condition समझ में आया है, how to write the floral formula. And इस अगर आपको कोई description दिया जाता है तो floral formula लिखना बहुत easy है. Now we'll discuss the economic importance or examples of Solanaceae family. So most of these family members belonging to the source of food. So source of food means tomato, brinjal, potato. These are the examples of Solanaceae family. And ये सारी चीजें हम as a vegetable use करते हैं. So हम इसको बोल सकते हैं इसका इस ये family के बहुत सारे members as a source of food use हो सकते हैं या होते हैं. Next would be a spice. चिलीज, चिलीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेम्बर. अभी हेंस फोर्थ आप कभी भी ग्रीन चिली, रेड चिली, जो भी चिली देखोगे तो याद करो, खुद को याद दिलाओ इट्स अ मेंबर ऑफ सोलानेसी फैमिली. मेडिसिन बेलाडोना एंड अश्वगंधा. अश्वगंधा आपने हाल फिलहाल में काफी बार सुना होगा. अश्वगंधा जनरली यूज टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम. सो इसको अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन काफी लोग कंज्यूम करना प्रेफर कर रहे हैं. बेलाडोना अश्वगंधा. फ्यूमिगेटरी टोबैको. फ्यूमिगेटरी मीन्स ये आप मुझे बताओगे फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या होता है. मैंने होमवर्क नहीं दिया है अभी आपको पिछले एक दो सेशन में, सो इसलिए आपको ये एज ए होमवर्क लेना है और मुझे बताना है. ऑर्नामेंटल्स पेटूनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस फैमिली एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट.
So yes, this was all about the Solanaceae family, economic importance and their examples. So yes, if any doubt, let me know, and see you in next session. Thank you.